हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो था उसमें बहुत सारे टॉपिक करवा दिए थे। अभी हमने 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसको स्टार्ट कर रखा है। एंड मैंने आपको लास्ट क्लास में जो भी ग्लैंड्स हमारी हार्मोन को सिक्रेट करती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दिया था। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवाई थी, लाइक व्हाट आर द हार्मोन्स एंड व्हाट इज़ द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, कौन कौन सी ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको हाइपोथैलेमस बता दिया था, हाइपोथैलेमस से आने वाले सारे हार्मोन के बारे में डिस्कशन हो गया था। एंड उसके अलावा मैंने आपको जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं उनके बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन कर लिया था। एंड उसके अलावा हमने कुछ हार्मोन के ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट आता है, कम होने से क्या इफेक्ट आता है, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। तो आई होप आपको क्लियरली चीज़ें विजिबल होंगी। अभी आज हम अपनी नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो अगर कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा। कैमरे से रिलेटेड अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, विजिबल नहीं हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और मैं आज आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, पीनियल ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड थी, पहले तो उसकी लोकेशन समझने की कोशिश करो। जब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, सपोज ये थर्ड वेंट्रिकल है और इसके सराउंडिंग में आपको डंबल शेप क्या मिल जाते हैं, थैलेमस मिल जाते हैं। थैलेमस आर व्हाट दे आर रिले सेंटर, ऐसा सेंटर है जहाँ से हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन हो या मोटर इन्फॉर्मेशन हो, ये यहीं से प्रोसेस होकर के जाती है। अब जो ये थैलेमस है, इस थैलेमस के अपर पोर्शन को हम बोलते हैं एपिथैलेमस, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है इसलिए उसको बोला जाता है एपिथैलेमस। और इस एपिथैलेमस से एक पी शेप की ग्लैंड निकली हुई रहती है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। सो दिस इज़ द पीनियल ग्लैंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर जो थैलेमस का लोअर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से नीचे क्या आती है आपके पास, स्टॉक के थ्रू अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए पीनियल ग्लैंड के सबसे पहले ऑरिजिन की बात करते हैं। तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं उस टाइम पर तीन जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्म। तो इन तीनों जर्म लेयर से ही सारे ऑर्गन बनते हैं हमारे। ओरिजिन क्या है पीनियल ग्लैंड का, एक्टोडर्मल, इसका मतलब ये हमारी एक्टोडर्म की लेयर से बना हुआ है। लोकेटेड कहाँ पर है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, यानी कि जो एपिथैलेमस है उसकी डोर्सल साइड पर ये प्रेजेंट होता है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है एपिफाइसिस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाइपोफाइसिस कहाँ पर आपने पढ़ा था और उसका क्या काम था, ठीक है, क्या होता है वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ऑल्सो नोन एज एपिफाइसिस। यहाँ से जो हार्मोन आता है उसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम मिलानिन। मिलानिन हमारा जो है वो मीडिएटरी जो पिट्यूटरी है, यानी जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है वहाँ से आता है, उसको हम बोलते हैं मिलानिन, जो कि बॉडी के पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, और वो भी ज़्यादातर हमारी बॉडी के पिगमेंटेशन को कंट्रोल नहीं करता, जैसे फ्रॉग वगैरह हो गए, जो कलर जिनके पास अलग तरीके से आता है, पैचेस की फॉर्म में आता है, उनके कलर को कौन कंट्रोल करता है, उनके कलर को कंट्रोल करता है मिलानिन पिगमेंट, बट दिस इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज डिफरेंट फ्रॉम मिलानिन। फंक्शन क्या है पीनियल ग्लैंड के, सबसे पहले पीनियल ग्लैंड इज़ अ मैजिकल ग्लैंड। ये एक ऐसी ग्लैंड है जो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। इट रेगुलेट्स 24 आवर्स डायरनल रिदम, यानी कि हमारी जो सोने और जागने का टाइम है कि किस टाइम हमें सोना है, किस टाइम हमें जागना है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड करती है। एक्चुअल में पीनियल ग्लैंड काम कैसे करती है, देखिए, जो लाइट होती है, जब लाइट ज़्यादा होती है तो उस टाइम पर पीनियल ग्लैंड कम एक्टिव होती है, और पीनियल ग्लैंड के कम एक्टिव होने की वजह से आपको नींद नहीं आती है। यानी दिन के टाइम पर आपकी बॉडी में मेलाटोनिन जो होता है वो कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, ठीक है। इट रेगुलेट्स डायरिनल रिदम। और रात के टाइम जब अंधेरा होता है, लाइट कम होती है, तो जो आपकी रेटिना पे लाइट कम जाती है, तो ऑप्टिक काइज़मा जो बनता है उस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास मेलाटोनिन पिगमेंट जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है और आपको नींद आने लगती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पीनियल ग्लैंड इज अ ग्लैंड विच रेगुलेट 24 आवर डायरनल रिदम, और इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। डे एक्टिव, यानी वी आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इट कंट्रोल्स बाय पीनियल ग्लैंड।
इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स आर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को भी ये हमारी बॉडी के कंट्रोल करती है, शुगर का मेटाबॉलिज्म हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो, लिपिड मेटाबॉलिज्म हो, उनको कंट्रोल करने का काम भी ये करती है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन यानी कि बॉडी के कलर के लिए बहुत हद तक ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपका सोने जागने का टाइम फीमेल के अंदर वेरी कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी अफेक्ट आता है। डिफेंस कैपेबिलिटी एंड बॉडी टेम्परेचर को भी इम्पैक्ट करता है। डिफेंस कैपेबिलिटी यानी कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी बाहर के पैथोजन से फाइट करने की जो हमारी एबिलिटी है, उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, एंड बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। नाउ माई क्वेश्चन इज कि हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला मेन जो सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसका आंसर आप मुझे करिएगा, क्योंकि मैंने ये आपको बता दिया था। इन्होंने एक नोट डाल के पॉइंट लिखा है कि जब लाइट इंक्रीज होती है यानी कि डे टाइम है, उस टाइम पर मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हम एक्टिव हो जाते हैं और हमें नींद नहीं आती। लेकिन जब अंधेरा होने लगता है, लाइट कम होती है, तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इट प्रमोट्स स्लीप। इसलिए हम बोलते हैं कि ये हमारे डायरिनल रिदम को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे आ जाइए। अब हमने ब्रेन से रिलेटेड सारी ग्लैंड्स को कवर कर लिया है, हमारी हाइपोथैलेमस कवर हो गई, हमारी पिट्यूटरी कवर हो गई, हमारी पीनियल ग्लैंड कवर हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक ऐसी ग्लैंड है जो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका ओरिजिन एंडोडर्मल है, यानी एंडोडर्म की जर्म लेयर से बनी है। ये लोकेटेड कहाँ पर होती है? दिस इज़ लोकेटेड एट द वेंट्रल साइड ऑफ योर ट्रैकिया, जो आपका विंड पाइप है। कई बार आपने देखा होगा जहाँ पे एडम्स एप्पल की हम बात करते हैं, तो ये उसी पोजीशन पर है जहाँ पर हमारा फेस है, जहाँ पर हमारा माउथ है, दैट इज़ आर वेंट्रल साइड। और जो हमारी बैक साइड है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है जहाँ पर, वो हमारी बैक साइड है, तो उसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? दिस इज़ लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के वेंट्रल साइड पर ये लोकेटेड है एंड इट हैज़ टू लोब्स। हियर यू कैन सी, ये हमारा ट्रैकिया है और एक ये लोब है और एक ये वाली लोब है। ये दोनों ही क्या है? टू लोब्स ऑफ थायरॉयड है। एंड इन दोनों को जोड़ने वाला, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ऑन द वेंट्रल साइड क्या है? इस्थमस। इस्थमस इज बेसिकली व्हाट? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्टिंग द टू लोब्स। जो दो लोब को कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं यहाँ पर, और उसका नाम क्या है? इस्थमस। नाउ दिस इज़ योर ट्रैकिया, दिस इज़ योर विंड पाइप। तो ये तो था कि थायरॉयड ग्लैंड है, तो साफ सी बात है एक बटरफ्लाई की शेप जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है। थायरॉयड ग्लैंड की दो ग्लैंड्स होती हैं एंड बोथ द ग्लैंड्स आर कनेक्टेड विद कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ योर इस्थमस। अब इसमें होता क्या है, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। हुआ क्या, हमने इसके एक पोर्शन को, सपोज इतने से पोर्शन को हमने जूम कर लिया। अब जूम करके हमने देखा कि इसमें आपको डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती हैं। पहली चीज़, जब हमने इसका एक जूम आउट सेक्शन लिया तो हमें मिला एक स्ट्रोमल टिश्यू, यानी जो इसके अंदर फिल है, जो इसमें पूरे में फिल है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमल टिश्यू। अब इस स्ट्रोमल टिश्यू में आपको ये स्फेरिकल शेप में फॉलिकुलर सेल्स अरेंज मिल रही हैं, इनको हम बोलते हैं फॉलिकल सेल्स। ये जो आप देख रहे हो पर्पल कलर में, दीज आर व्हाट? दीज आर द थायरॉयड फॉलिकल। ये इस तरीके के फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर, और इन थायरॉयड फॉलिकल्स को बनाने वाली सेल्स को बोला जाता है फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स आर दोज सेल्स जो कि थायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन सिक्रेट करती हैं, यानी थाइमोसिन को सिक्रेट करती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा थायरॉयड फॉलिकल है, एंड इसके अलावा यहाँ पर ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, यहाँ पर आपको ये पॉलीपेप्टाइड की चेन्स दिख रही हैं। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है। इस पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ आयोडीन अटैच है, आयोडीन अटैच है। तो इस आयोडीन के अटैचमेंट को अगर हम देखें, तो एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन, थर्ड, एक पोजीशन पर ये आयोडीन है जिसके साथ दो आयोडीन जुड़े हुए हैं, फिर से दो आयोडीन एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, और पॉलीपेप्टाइड यानी कि ये अमीनो एसिड का पॉलीमर है। तो कुछ ऐसा मान लीजिए कि ये आपकी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, और इसमें ये टायरोसिन अमीनो एसिड है जो मैंने डॉट में बनाया है, दिस इज टायरोसिन। ठीक है, ये टायरोसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके साथ जब आप आयोडीन डाइट में लेते हो, तो वो आयोडीन ब्लड के थ्रू, यहाँ से ये जो पूरी ब्लड वेसल इन्होंने बना रखी है, ये आयोडीन इस ब्लड वेसल के थ्रू आता है और इसके साथ अटैच हो जाता है, कहीं कहीं पर एक आयोडीन अटैच होता है, कहीं पर दो आयोडीन अटैच होते हैं, कहीं पर तीन आयोडीन अटैच होते हैं,
और कभी-कभी चार आयोडीन भी अटैच हो जाते हैं, चार आयोडीन भी अटैच हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास चार फॉर्म है टायरोसिन की, जिसमें एक आयोडीन इसके साथ अटैच है, दिस इज़ वन आयोडीन। सेकेंड टायरोसिन जिसके दो आयोडीन अटैच हैं, थर्ड टायरोसिन जिसके साथ तीन आयोडीन अटैच हैं, फोर्थ टायरोसिन जिसके साथ चार आयोडीन अटैच हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, T1, T2, T3 और T4, ठीक है। तो हमारा जो है T3 और T4, यही एक ऐसा हार्मोन है जो थायरॉयड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। T3 यानी ट्राई आयडोथायरोनिन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टायरोसिन था और यहाँ पर तीन आयोडीन ग्रुप अटैच हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्राई आयडोथायरोनिन। और इसको बोला जाता है टेट्रा आयडोथायरोनिन, क्योंकि चार आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच हैं विद द सेम टायरोसिन अमीनो एसिड। और ये पूरी प्रोटीन की चेन फोल्डेड फॉर्म में कहाँ पर रखी गई है, इस फॉलिकल के अंदर रखी गई है, इसीलिए हम इस फॉलिकुलर सेल्स के अंदर रखे जाने वाली प्रोटीन की या पॉलीपेप्टाइड की चेन को थायरोग्लोबुलिन बोलने लग जाते हैं। तो थायरोग्लोबुलिन इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ T3 एंड T4। तो यही उन्होंने लिखा है कि थायरॉयड फॉलिकल में थायरोग्लोबुलिन होता है, यानी कि स्टोर्ड फॉर्म में T3 और T4 होते हैं। हैज़ अ प्रोटीन चेन, द प्रोटीन चेन इन विच थायरॉयड हार्मोन इज़ स्टोर्ड इन साइड द फॉलिकल। और इसी की वजह से इसका कलर जो होता है वो हल्का सा पिंकिश भी होता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन माइंड में आता है कि आयोडीन कहाँ से आया, तो आयोडीन आप डाइट्री आयोडीन लेते हो, यानी खाने में आप आयोडीन लेते हो, वो आयोडीन ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो यहाँ फॉलिकल में चला जाता है, ठीक है, और फिर वो इनके साथ अटैच हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जो डायट्री आयोडीन होता है, इट कम्बाइंस विद टायरोसिन अमीनो एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द थायरोग्लोबुलिन विच इवेंचुअली विल बी मॉडिफाइड टू फॉर्म थायरॉयड हार्मोन, जो बाद में आपका थायरॉयड हार्मोन को बनाता है। ये इन्होंने एक बटरफ्लाई शेप की दिखा रखी है, एंड ये आपकी स्थमस है, ये दो लोब्स हैं आपके थायरॉयड ग्लैंड की, एंड इसमें ये एक इन्होंने इसका जूम आउट सेक्शन दिखाया है अलग से। ये जो इन्होंने पूरा चेन दिखा रखी है इसको थायरोग्लोबुलिन बोला जाता है, एंड दिस इज़ द स्ट्रोमल टिश्यू। थायरॉयड के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो थायरॉयड के फॉलिकल्स होते हैं और एक स्ट्रोमल टिश्यू होता है। इस स्ट्रोमल टिश्यू में आपको एक और स्पेशल टाइप की सेल्स दिखाई दे रही हैं, जिनको बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। पैरा फॉलिकुलर सेल्स वो सेल्स हैं जो अनदर हार्मोन को कैरी करती हैं, जिसका नाम है कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको हम शॉर्ट में TCT बोलते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है, इसको हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। कहाँ से आता है, जो फॉलिकल सेल्स हैं उनके बाहर जो स्ट्रोमल टिश्यू में पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं, वहाँ से क्या आता है, कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन आता है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको जो थायरोग्लोबुलिन है, यानी कि जो इस फॉर्म है आपकी प्रोटीन वाली, इसके बारे में बताती हूँ। फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन T3 और T4 थायरॉयड हार्मोन्स आर फॉर्म्ड। इसी से हमें थायरॉयड हार्मोन मिलने वाले हैं जब इनमें मॉडिफिकेशन होता है। T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयडोथायरोनिन, जो कि इसके साथ तीन आयोडीन अटैच होते हैं, और इसको हम बोलते हैं टेट्रा आयडोथायरोनिन T4 को, क्योंकि यही इसके साथ चार आयोडीन अटैच हैं, और इसी को मेन हार्मोन भी बोला जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन इसी को बोला जाता है, ठीक है। दोनों को मिलाकर के हम थायरॉयड हार्मोन बोलते हैं, लेकिन थायरोक्सिन इज द T4, दैट इज टेट्रा आयडोथायरोनिन। चार आयोडीन ग्रुप जब टायरोसिन के साथ अटैच होते हैं तो उनको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन इज बेसिकली व्हाट, इट इज योर अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हम इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये टायरोसिन जो था एक अमीनो एसिड था, और उसमें जब मॉडिफिकेशन हुई, उसमें जब डेरिवेशंस हुई, चेंजेस हुए, तब जाकर के हमें ये हार्मोन मिला, इसीलिए हम इसको अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन बोलते हैं, डेरिवेटिव हार्मोन, क्लियर है। अब इसकी फंक्शन की जब हम बात करें, तो थायरॉयड एक ऐसी ग्लैंड है जो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। आपने सुना होगा हाइपर थायरॉयडिज़म हो जाता है लोगों को, हाइपोथायरॉयडिज़म हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है इसकी, इट मेंटेन्स BMR। BMR इज़ बेसिकली व्हाट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आपकी दिन भर में जो बेसिक कैलोरीज होती है, बेसिक कैलोरीज जो होती है, जो आप
बर्न करते हो एवरी डेज एक्टिविटी में, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? BMR। अगर आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गई है, मतलब कि आप जो भी खा रहे हो उसको बहुत जल्दी जल्दी क्या किया जा रहा है, कैलोरीज को बर्न कर लिया जा रहा है, आपका आपको बार बार भूख लगने लगी है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में ज़्यादा थायरॉक्सिन बन रहा है और उसकी वजह से आपकी BMR एक्टिवेट ज़्यादा हो गई है और इसी वजह से आपकी बॉडी पतली हो गई है, कमज़ोर हो गए हो। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि जिन लोगों को थायराइड होता है या तो वो पतले ही रहते हैं या फिर वो बहुत ही मोटे रहते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि अगर आपको हाइपर थायरॉयडिज्म है तो आप पतले होते चले जाते हो या फिर पतले रहते हो, और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपकी BMR कम हो जाती है, आप जो खा रहे हो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन होता है और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है कि हो गया। उसके अलावा इट ऑल्सो प्रमोट्स इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस आर बेसिकली वॉट? इरिथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ RBC। जब हम RBC के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, उसके अलावा इट ऑल्सो स्टिमुलेट एड्रीनल मेडुला टू प्रोड्यूस एपिनेफ्रीन एंड नोर एपिनेफ्रीन। देखिए, एड्रीनल जो है वो एक किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, ठीक है, इसका नाम एड्रीनल होता है, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड का मतलब होता है ऊपर और रीनल का मतलब होता है किडनी, तो किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड बोला जाता है। एंड इस एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड देर इज़ अनदर पार्ट विच इज़ योर इंटरनल पार्ट जिसको बोला जाता है मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स से हमारे पास डिफरेंट हार्मोन आते हैं, मेडुला से डिफरेंट हार्मोन आते हैं, तो जो मेडुला के हार्मोन हैं यानी कि जो इमरजेंसी हार्मोन्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करती है आपकी थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, इसको इंक्रीज़ करने का काम कौन करता है? थायरॉयड ग्लैंड। एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि किडनी पर भी एक्शन लेता है, स्किन की पिगमेंटेशंस को भी कंट्रोल करता है, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स टिश्यू डिफरेंशिएशन, कि आपकी बॉडी में जो टिश्यू है उसका एक फेट डिसाइड होता है कि उसको क्या बनाना है, क्या बनना है, तो उसको कंट्रोल भी कौन करती है? थायरॉयड ग्लैंड। तो इट हैज़ मल्टीपल फंक्शन, बहुत सारे काम को ये कंट्रोल करती है, मेंटेन BMR, इरिथ्रोपोइसिस, एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करती है कि जाओ आप एपिनेफ्रिन बनाओ, नोर एपिनेफ्रिन बनाओ इफ़ देर इज़ एनी इमरजेंसी सिचुएशन, एंड हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है, वाटर मेंटेन करती है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करके रखती है, ऑल्सो कंट्रोल द स्किन पिगमेंटेशन एंड ऑल्सो कंट्रोल द टिश्यू डिफरेंशिएशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर थायरॉयड ग्लैंड। अब इसके दूसरे पोर्शन को अटैच करते हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि फॉलिकल सेल्स के अलावा पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं और वो क्या हॉर्मोन सेक्रेट करती हैं? कैल्सीटोनिन, जो किसके लेवल को बैलेंस करता है? कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करता है। कैल्सीटोनिन इज़ अ हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, इसका मतलब ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम रखता है। जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल है और इसके आसपास कोई सेल्स हैं, दिस आर द सेल्स। अगर हमारे ब्लड में थायरोकैल्सीटोनिन है, सपोज यहाँ पे TCT के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, ठीक है, और हमारे ब्लड में अभी ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है, तो TCT क्यों आता है वहाँ पर? TCT इसलिए आता है ताकि वो ब्लड के कैल्शियम को कंट्रोल कर सके। कौन से ब्लड को? इसके अंदर मिलने वाले ब्लड के कैल्शियम को कंट्रोल कर सके, इसका मतलब वो ब्लड में जो ज़्यादा कैल्शियम है उसको कंट्रोल कर सके। कैसे कंट्रोल करेगा? ये बोलता है कि आपके पास जो ब्लड जो यहाँ पे कैल्शियम के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, ऑरेंज कलर में दिखा रही हूँ, इनको आप एक काम करो, इनको कम करो ब्लड से। कैसे कम करोगे? या तो आप सेलुलर अपटेक को इंक्रीज़ कर दो, यानी कि सेल को बोलो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को अपटेक करो, तो वो ब्लड से ज़्यादा कैल्शियम लेंगी, यानी इट रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल, हैंस हाइपोकैल्शियमिक, क्योंकि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है, इसीलिए हम इसको हाइपोकैल्शियमिक बोलते हैं। एंड इसके अलावा कैसे कम करता है, अगर कोई प्रोसेस पूछे, तो ये सेल्युलर अपटेक ऑफ ब्लड को इंक्रीज़ कर देता है, सेल्युलर अपटेक ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इंक्रीजेस। तो ब्लड से जो सेल्युलर अपटेक होगा कैल्शियम का, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर, एक और इन्होंने नाम दिया है पैराथॉर्मोन भी एक हमारे पास हार्मोन होता है जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है।
ये अलग हार्मोन है, पैराथार्मोन पीटीएच हम इसको बोलते ही हैं। और हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन कौन सा होता है? हमारा थायरोकैल्सिटोनिन होता है। दोनों ही ऐसे हार्मोन हैं जो ब्लड के लेवल को बैलेंस करते हैं। कैसे? अगर ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है कैल्सिटोनिन, तो पैराथार्मोन क्या होता है? इट इज़ हाइपरकैल्सिमिक, यानी कि ये सेलुलर अपटेक ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, और सेल्स को अब ज़्यादा कैल्शियम नहीं मिलेगा, ज़्यादा कैल्शियम अब ब्लड वेसल में जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सिमिक हॉर्मोन, और इसको बोला जाता है हाइपो कैल्सिमिक टीसीटी को। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। थायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर क्या होते हैं? अगर इसका हाइपो सिक्रीशन हो जाए, यानी कि कम सिक्रीशन हो जाए, आपकी बॉडी में थायरॉयड ग्लैंड से थायरोक्सिन कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में बीएमआर को भी आप अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए आप थोड़े मोटे होने लग जाओगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटनिज्म हो जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ अलग से, मैं बताऊँगी। उसके अलावा सिंपल गोइटर हो जाता है, हाइपर सिक्रीशन से ग्रेव डिजीज़ या एक्सोप्थाल्मिक गोइटर हो जाता है। क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर थायरॉयड ग्लैंड में जो हार्मोन है थायरोक्सिन, वो आपकी बॉडी में कम रिलीज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको बोला जाता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या है? एक प्रेग्नेंट फीमेल अगर हम बात करें, तो उसके बच्चे के अंदर होने वाले सारे चेंजेस ही क्रिटिनिज्म है, ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। क्लियर? तो लो थायरॉयड हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर लो थायरॉयड हार्मोन है, और इन चाइल्डहुड, और अगर आप चाइल्डहुड में हो तब आपके पास हाइपोसिक्रीशन है, तो इसकी वजह से क्या होगा? रिजल्ट इन द क्रिटिनिज्म एंड चाइल्ड सफर्स फ्रॉम। चाइल्ड किस किस चीज़ से सफ़र करेगा? ही और सी शुड बी मेंटली रिटार्ड, वो मेंटली रिटार्ड होंगे। एंड मेंटली रिटार्डेशन का मतलब होता है दैट आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, आपका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है, आप अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे हो, दिस इज़ अ मेंटल रिटार्डेशन। और वी कैन से कि आपका मेंटली हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, मेंटली रिटार्डेशन है, लो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंट क्वेश्चेंट जो है आईक्यू लेवल वो कम है आपका, एंड कम हो जाता है इस बीमारी में। लेक ऑफ अलर्टनेस है, मतलब आप चीज़ों को लेकर के अवेयर नहीं रह पाते हो कि आपको क्या कंडीशन में क्या काम करना चाहिए। बीएमआर जो है वो लो हो जाएगी, हार्ट रेट लो हो जाता है। डीफ म्यूटिज्म हो जाता है, यानी कि लोगों को सुनाई नहीं देता या लोग बोल नहीं पाते हैं, वो किस वजह से? ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, और वी कैन से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ अ फीमेल। एबनॉर्मल स्किन होती है, क्योंकि पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है। क्लियर? इसके अलावा अगर आप अडल्ट हो और आपकी बॉडी के अंदर जो थायरोक्सिन है उसका हार्मोन कम हो गया है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका लेवल कम हो गया है, तो सिंपल गोइटर हो जाता है। सिंपल गोइटर का मतलब होता है आपकी नेक एरिया में स्वेलिंग हो जाना। आपने लोगों को देखा भी होगा कि जो लोग बहुत अच्छे से प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जो थोड़ा पॉवर्टी बैकग्राउंड से आते हैं या कुछ भी मान लीजिए, है ना, बट उनकी बॉडी में अगर हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉयड है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उनके नेक एरिया पे स्वेलिंग हो जाती है, एंड उसको हम बोलते हैं कि हाइपोसिक्रीशन हो गया है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन, जिसकी वजह से सिंपल गोइटर हो जाता है। एंड हम इसको बोलते हैं कि ड्यू टू डेफिशिएंसी इन डाइट, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है डाइट के अंदर, जो लोग नमक ऐसा नहीं लेते जिसमें आयोडीन होता है, तो इस वजह से भी सिंपल गोइटर होता है। इफ़ आयोडीन इज़ डेफिशिएंट, अगर आयोडीन कम है एंड नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस वुड नॉट अकर, अगर आपके पास आयोडीन जो है वो तो कम है, तो उसकी वजह से जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं बनेगा, एंड जिसकी वजह से थायरॉयड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं सिंपल गोइटर, यानी वही स्वेलिंग हो जाता है नेक एरिया में। क्यों हो जाता है? क्योंकि आयोडीन आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन की अगर हम बात करें, तो हाइपर सिक्रीशन अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि एक्सोप्थाल्मिक गोइटर हो चुका है, यानी कि आउटसाइड द आई, आउटसाइड एक्सो का मतलब, एग्स का मतलब होता है आउटसाइड, ऑप्थाल्मिक का मतलब होता है आई, यानी ऐसा लगता है कि लोगों की आंखें जो है बाहर की तरफ बल्ज आउट हो गई हैं, थोड़ा सा बाहर आ गई हैं, उभार आ गया है उनमें, और इससे गोइटर एनलार्जमेंट यानी वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि हाइपोसिक्रीशन की वजह से बल्जिंग डिजीज हो जाती है, आईज बल्ज आउट हो जाती हैं, एंड जो थोड़ा आउटसाइड है आई की एनलार्जमेंट हो जाती है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड हेयर विच मिमिक्स और कॉपीज एक्टिविटी और एक्शन ऑफ टीएसएच।
देखो ये एक तरीके से ऐसा मान लो कि हाइपर सिक्रेशन क्यों हो रहा है, मैं अगर सिंपल सा वर्ड बताऊं कि हाइपर सिक्रेशन हो क्यों रहा है थायरोक्सिन हार्मोन का, तो कहीं ना कहीं थायरॉयड ग्लैंड में लार्जमेंट हो गई होगी, थायरॉयड ग्लैंड में इंक्रीज हो गया होगा। क्यों हुआ होगा? ऐसा हो सकता है कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली सेल्स थी वो भी कॉपी करने लग जाती हैं, थायरोक्सिन हार्मोन की तरह ही एक्ट करने लग जाती हैं, तो जो नॉर्मल थायरोक्सिन था उसका लेवल अब बढ़ गया है। एंटीबॉडी विच कॉपीज TSH मीन्स ये कहाँ पर एक्ट कर रही है, थायरॉयड ग्लैंड पर एक्ट कर रही है और T3 और T4 को प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि मोर एंड मोर T3 एंड T4 आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज़ अ हाइपर कंडीशन इज डेवलप्ड, यहाँ पर हाइपर कंडीशन डेवलप हो जाती है। नाउ दीज एंटीबॉडी कंटिन्यू टू स्टिमुलेट थायरॉयड ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर T3 एंड T4, लीडिंग टू एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड एंड हाइपर कंडीशन ऑफ द थायरॉयड हॉर्मोन, और यही रीजन होता है कि थायरॉयड हॉर्मोन की हाइपर कंडीशन आ जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी बेटा, एंड